क्या सोच रहे हो भांजे? यही तो अवसर है। देखो वो निहत्था भी है और अचेत भी। अब जाओ, जाओ उसका लाभ उठाओ। तुम? हाँ मित्र। तुमने मुझे रोका क्यों मित्र? इसलिए कि केवल मैं ही तुम्हें रोक सकता था मित्र। किंतु क्यों? इसलिए कि जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता मित्र। अरे अंगराज करण, तुम भांजे दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, सदैव मूर्खता की बातें क्यों करते हो? मामाश्री, आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये षड्यंत्र भी आप ही का रचा हुआ। किंतु अंगराज कर्ण, तुम नहीं जानते ये कौन है और हमारे लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। मैं केवल इतना जानता हूं दुशासन कि पूजा में मग्न ये एक निहत्ता व्यक्ति है, और इस अवस्था में इस पर वार करना क्षत्रिय परंपराओं को पैरों तले रौंदने के समान है। यह अन्याय नहीं, घोर पाप है। युद्ध में धर्म अधर्म नहीं, विजय और पराजय का प्रश्न होता है, और विजय पाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता मित्र। तुम क्या समझते हो, यदि पांडव मुझे निहत्था पाएंगे तो क्या वे मुझे छोड़ देंगे? मित्र दुर्योधन, मैं ये नहीं जानता कि पांडव क्या करेंगे, परंतु ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे आदर्श मित्र को क्या करना चाहिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो मित्र, तुम तो हस्तिनापुर के युवराज हो, कल के होने वाले सम्राट हो, और मैं ये कदाचित नहीं चाहूंगा कि आने वाले समय का इतिहासकार ये लिखे कि महान कौरव सम्राट ने अपने साम्राज्य की नींव एक पूजा में लीन निहत्ते व्यक्ति के शव पर रखी है। यदि मैं तुम्हें ये नीच कार्य कर लेने देता तो इस बात को लेकर शायद मैं जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता मित्र, कि मैंने मित्रता का धर्म नहीं निभाया। तुम इसकी शक्ति से परिचित नहीं हो अंगराज, इसे केवल तभी मारा जा सकता है जब यह अचेत और निहत्था हो। ये ठीक कह रहे हैं अंगराज कर। प्रणाम दादाश्री दुर्योधन, प्रणाम गंधार नरेश, प्रणाम दादाश्री दुशासन, प्रणाम महारथी कर्ण। आप धन्य हैं, आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको वैसा ही पाया, और दादाश्री आपके विषय में जो कुछ सुन रखा था आपको उसे कहीं अधिक पाया। लोग कहते थे कि आप महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा कभी सभ्यता और सज्जनता की सीमा नहीं पार करती, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा सभ्यता और सज्जनता तो क्या मानवता की सीमा पार कर चुकी है। दादाश्री, आप केवल महत्वाकांक्षी ही नहीं, आप कपटी भी हैं। दुष्ट, मैं तेरा वध कर दूंगा। मुझे दुख है दादाश्री कि आपने ये अवसर भी खो दिया। मेरा वध उसी समय संभव है जब मैं निहत्था या अचेत हूं, परंतु दादाश्री अब तो ना मैं निहत्था हूं और ना ही अचेत। अब आप मुझे नहीं मार सकते, परंतु ये कार्य मैं अवश्य कर सकता हूं। आदर से बात कर बर्बरीक। आदर? एक कपटी का आदर, एक कायर का आदर, आदर का अनादर है दादाश्री। बस पौत्र बस, अब अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। अब तक तुमने जो कुछ भी कहा मैं उसे सुनकर पी गया, केवल इसलिए कि मैंने अपनी अंतरात्मा को नकार कर तुम पर छिपकर कपट से वार करने का जघन्य अपराध किया था। अन्यथा महाबली की सौगंध दुर्योधन को कायर कहने वाला अपने जीवन का दूसरा दिन नहीं देख पाता। पौत, मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो केवल इसलिए कि मुझे अपनी भूल का आभास हो गया है, परंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूं बर्बरीक
कि रणभूमि में मेरे हाथों वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले व्यक्ति तुम होगे। तुम तो फिर एक बात मेरी भी सुन लीजिए दादाश्री, युद्ध भूमि में मेरा धनुष आप ही को ढूंढ रहा होगा और मेरे बाणों का पहला लक्ष्य आप ही की छाती होगी। प्रणाम। बल से बल टकरा गया, लड़ी आन से आन, वीरों की ललकार से गूंज उठा ब्रह्मांड, गूंज उठा ब्रह्मांड।